हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कैसे सीधा उत्तर के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 35 को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए प्रश्न संख्या 35 क्या है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 दिया गया है, टैन थीटा बराबर एक्स वाई वाई, तब x इंटू साइन थीटा प्लस वाई इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए हम इसे हल करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल, जो दिया गया है वो पहले हम लिख लेते हैं। दिया गया है तो हमें दिया गया है tan थीटा बराबर एक्स वाई, लिख लेते हैं tan थीटा बराबर x बटे y। चूँकि हम जानते हैं कि tan थीटा का फार्मूला जो होता है क्या होता है, p बाय b होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए, p के सामने x है और b के सामने y है, तो p और b का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे p इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू y। लेकिन देखिए, त्रिभुज में तीन भुजा होता है, एक कर्ण में ही होता है, तो कर्ण का मान हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, एच इज इक्वल टू वाच। तो देखिए, एच बराबर पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला क्या है, हम आपको सभी वीडियो में बता चुके हैं। क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू रूट अंडर, पी का वैल्यू कितना है तो एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू कितना है तो y है, y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारा h का मान निकल गया और p का मान निकल गया और b का मान, हमें तीनों भुजा निकल गया है। ठीक है, तो अब हमें जो दिया गया है प्रश्न में, इससे हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो दिया गया है x इंटू साइन थीटा प्लस वाई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इन्हीं का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसे हम लिख लेते हैं, फिर इसका हम मान ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार से प्रश्न में दिया गया है हमने उसी प्रकार से इसे लिख लिए हैं। अब आइए इसे हल करते हैं। ठीक है, तो और x इंटू यहाँ पे गुना है तो गुना ही रहेंगे, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है, पी बाय एच लंब बटे कर्ण। ठीक है, प्लस वाई, फिर इंटू है तो इंटू, यानी कि इंटू का मतलब गुना होता है। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच होता है। ठीक है, अब देखिए एक्स इंटू पी का वैल्यू कितना है, यानी कि पी का मान कितना है, एक्स है, और एच का मान कितना है, रूट अंडर का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है। ठीक है, इसे घेर देंगे, और प्लस वाई, वाई है तो वाई इंटू बी का वैल्यू कितना है, तो बी का मान वाई है। ठीक है, तो y बटे क्या हो जाएगा, रूट अंडर h का मान तो वही रहेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आगे हल करेंगे हम। तो देखिए, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बटे ये तो ऐसा ही रह जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस, y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और बटे ये नीचे में जैसे है वैसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, ये भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये सेम है, तो एक एलसीएम सेम आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया है, अब एलसीएम लेने के बाद इसे भाग देंगे। तो देखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो एक आ जाएगा, और एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर प्लस, फिर इसका भी सेम प्रोसेस, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन देखिए, हमारा आंसर इतना नहीं है, हमें आंसर रूट में दिया गया है। तो देखिए, हम इसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, हम अंडर रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये इतना बचेगा, और बट्टे में क्या दिया गया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर का मतलब दो है, यानी इतना इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो बार दिया गया है, ठीक है। तो एक बार नीचे है तो एक बार हम इसे कर देंगे, तो ये बच जाएगा इतना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए प्रश्न संख्या 36 का है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन एस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले जो दिया गया है हम इसे लिख लेंगे। देखिए हमें दिया क्या गया है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, 3/5, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लंब कर्ण मालूम है, तो हमें आधार नहीं मालूम है, तो बी बराबर वाट। हम पाइथागोरस प्रमेय से बी का फॉर्मूला जानते हैं कि बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर का एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर होता है, ठीक है। और बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच का मान कितना है, एच का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस, और पी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बी इज इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। और बी इज इक्वल टू रूट अंडर का, देखिए 25 में से 9 जाएगा तो 16, और 16 का रूट निकालेंगे तो हम 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बी का मान हमारा कितना आ गया, 4 आ गया है। तो बी का मान हमारा 4 आ चुका है। अब देखते हैं सवाल में किसका मान बता है निकालने के लिए हमें कह रहा है, तो हमें कह रहा है यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कहते हैं। तो आइए इसे हम लिख लेते हैं। तो हमें जिसका मान कह रहा है निकालने के लिए हमने इसे लिख लिया, अब इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी होता है, तो पी बाय बी का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है, इंटू है तो इंटू, कॉस का होता है बी बाय एच, और प्लस कॉट का होता है बी बाय पी, ठीक है, बी बाय पी होता है। अब हम इनका मान बैठा देंगे, तो देखिए पी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो पी का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस पी का वैल्यू यहाँ भी देखिए क्या इतना है, 3 है, और एच का वैल्यू 5 है, गुना है तो गुना, और बी का मान कितना है, 4 है, फिर एच का मान 5 है, प्लस और बी का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, और पी का मान 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस देखिए इन दोनों को गुना कर देंगे तो 4 × 12 और 25 हो जाएगा, प्लस 4/3, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ बना देंगे, तो देखिए भिन्न का जोड़ लेने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन एलसीएम में यहाँ पे ना तो कोई कॉमन है और ना कुछ है, तो हमें इन सब को आपस में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 16 को 3 से गुना करेंगे 48 हो जाएगा, और 48 को हमें 25 से गुना करता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं, तो 48 × 25, ठीक है, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 0 हाथ में 4, और 4 × 5 = 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 22 नहीं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 × 5 = 40 का 0 हो जाएगा, और हाथ में 4 बच गया, और 4 × 5 = 20, तो 20 × 4 = 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 48 × 2 कितना होता है, तो 96 होता है, तो 96 इसे लिख देंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 × 6 = 10, 0 हाथ में 1, और 9 × 2 = 11, 12, ठीक है। तो हमारा लस आ गया कितना, 1200, ठीक है, 1200, ठीक है। अब देखिए हम 1200 में 16 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। तो एक बार हम भाग देख कर भी देख लेते हैं, ठीक है, तो 1200 में यहीं पर हम भाग देते हैं कितना से, 16 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 मर्त में हम लगा देंगे, कितना मर्त में लगेगा, पहले लगेगा 7 मर्त में, कितना मर्त में लगेगा, 7 मर्त में, ठीक है। तो हमारा 48 नहीं आएगा, 75 आएगा, कितना आएगा, 75, तो 7 मर्त में हम 116 × 7 = 112 होता है, 120 में से 112 गया तो 8, ये 0 उतर गया,
ठीक है। अब देखिए हम कितना 16 पंचे 80 लिखा सकते हैं, तो 80 ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 75। अब देखिए हमारे 75 आ गया है, 75 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 675। कितना आ जाएगा 675, ठीक है। प्लस 1200 में हम 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 48 आएगा, ठीक है। और 48 को हम 12 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 576। वीडियो लंबा होने के कारण हम यहाँ पे जोड़ घटा गुणा नहीं कर रहे हैं, आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। हमने पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए प्लस, अब देखिए 1200 में 3 से भाग देंगे तो 400 आएगा, और 400 को 4 से गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा, ठीक है। 1600 देखिए इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6511, और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 6511 का 1 हाथ में 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 7 7 7 14 1 15 का 5 हाथ में 1, ठीक है। 6 5 11, 11 6 कितना हो जाएगा 17 1 18, 18 का 8 हाथ में 1 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, और बट्टे 1200, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, मिलते रहे। तो आइए प्रश्न संख्या 37 क्या है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 दिया गया है, यदि 4 cot θ = 3 तो दिखाए कि sin θ + cos θ / sin θ - cos θ = 7, ठीक है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, यानी कि इसको हम सॉल्व करके 7 लाना है, ठीक है। तो आइए हल कर लेते हैं, लिखेंगे हल। पहले दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं, तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है 4 cot θ = 3, और देखिए ये cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 इस साइड आ जाएगा, ये भाग गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए cot थीटा बराबर इतना हो गया, तो cot थीटा बराबर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, b/p होता है, ठीक है। देखिए b का मान हमारे पास है 3 और p का मान 4 है, तो हम h का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे h का। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से h = क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो h = क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, पी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और b का मान कितना है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रूट अंडर का 16 और 9 को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, ये रूट से निकलेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना आ चुका है 5 आ चुका है, ठीक है। कितना आ गया है 5। अब जो दिया गया है, जिसका हमें जो सिद्ध करने के लिए कहा रहा है, हम आइए इसे लिख करके फिर सिद्ध करते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना है इसे हमने लिख लिया है, ठीक है, और बराबर का 7 लाना है, ठीक है। तो लिखेंगे और साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, p/h होता है, प्लस कॉस का होता है b/h, और बट्टे साइन का भी होता है p/h माइनस है b/h, ठीक है, बराबर का 7। और देखिए p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हमारे पास 4 है, 4, h का मान 5 है, ठीक है, और प्लस का कितना है, b का वैल्यू कितना है 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है, और h का मान 5 है, ठीक है, बट्टे सेम हो जाएगा, केवल प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 4/5 - 3/5, ठीक है। और देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 5 का LCM 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 में 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, ये प्लस का 3 आ जाएगा, और बट्टे फिर यहाँ भी 5 का LCM 5 हो जाएगा, और 4 - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भाग में है, इसे हम गुणा में बदल लेंगे, देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और बट्टे में 5 है तो 5 गुना, ये वाला 5 नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा, ये भाग में है तो गुणा में बदल रहे हैं, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, ठीक है। और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ठीक है, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें देखिए इसका बराबर हमें 7 लाना था, और 7 हमने ला दिया, तो हम लिख सकते हैं अतः
एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ्ड प्रूफ्ड। आई होप कि आप सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।